हेलो गाइस, आई एम रिकी एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो है हम लोग बहावी आंदोलन पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या है बहावी आंदोलन? एक ओर से आंदोलन देख रहे थे, इसके पहले जो है अहोम विद्रोह हमने देखा था, अहोम। आज जो है हम लोग देखेंगे बहावी आंदोलन जो 1826 में हुआ, और जो कहीं कहीं इसको 1833 भी आपका लिया जाता है, लेकिन जो आगाज है वो 1826 इसका माना जाता है। तो आज हम लोग वहावी आंदोलन को देखेंगे, और चूंकि वीडियो जो है थोड़ी सी लेंदी होगी, क्योंकि कारण ये है कि कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके लास्ट तक सुनिएगा। तो जो वहावी आंदोलन है यह आपका 1826 ईस्वी में हुआ, और इसके जो स्थापना कहिएगा तो वह भी आप 1826 कह सकते हैं, और जो इसके संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी, है ना। सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो इनके संस्थापक थे। किसके? तो जो वहावी आंदोलन था इनके संस्थापक, ठीक है। और हुआ था कब? 1826 में। सैयद अहमद बरेलवी इनके संस्थापक थे, और इसका परिणाम क्या हुआ? तो जो वहावी आंदोलन था, चूंकि जब आप इस आंदोलन के बारे में जानिएगा, तो पहले जो है भारत एक जो है मुस्लिम बाहुल देश बने और इस्लामिक कंट्री भारत बने। पहले जो शुरू शुरू में इसका आगाज़ हुआ था वह इसी तर्ज पर हुआ था कि भारत में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब एकत्रित होंगे और भारत को जो है एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाएगा। इस तरह के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। लेकिन ज्यों ज्यों यह आगे बढ़ा, ये आंदोलन आगे बढ़ा, बंगाल में, बिहार में, अलग अलग जगहों पर यह आंदोलन हुआ, है ना, जो आपका उत्तर पश्चिम एरिया है भारत का, इस तरफ भी इसका ज़्यादा ये रहा, वो अभी आप पढ़ेंगे उसमें आएगा वो चीज़। तो वह धीरे धीरे जो है यह आम लोगों तक पहुँचने लगा, और देखते देखते कुछ समय के बाद जो है आपका जो सैयद अहमद बरेलवी है इनकी हत्या हो जाती है, है ना। और इनकी हत्या के बाद जो है फिर जो यह बहावी आंदोलन है यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाता है, और इसमें जो हिंदू लोग हैं, किसान लोग हैं, इन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अगर इस देखिएगा तो बाद में यह जो है यह आंदोलन बदल गया, लेकिन पहले जो यह आंदोलन आगाज किया गया था वो एक इस्लामिक कंट्री हो, इस तरह की बातों से, या इस तरह के आप समझ सकते हैं मान्यताओं को, इसके अंतर अंत इसके इस मान्यताओं को आधार में रख करके यह आंदोलन शुरू की गई थी। लेकिन बाद में जो है यह आंदोलन बदल गया। खैर, अभी आपको जब हम इसके सामने, आपके सामने सारे तथ्यों को रखेंगे हम, तो फिर आपको यह बात पूरी तरह से पक्की समझ में आएगी। हाँ, तो सैयद अहमद बरेलवी इसके संस्थापक थे, है ना। और बाद में इसका परिणाम हुआ, सिख समुदाय से संघर्ष हुआ, जिसमें जो सैयद अहमद बरेलवी थे यह जो है इनकी हत्या हो गई, ये मारे गए। किसमें? तो सिख समुदाय से जो है एक आपका, है ना, सिख समुदाय से जंग छिड़ी, है ना, या कह सकते हैं कि सिख समुदाय से संघर्ष हुआ, और उसमें जो है सैयद अहमद बरेलवी का जो है हत्या हो गई। इसके बाद भी यह चलता रहा, लेकिन इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो बहावी आंदोलन था ये टूट गई, और लेकिन हाँ बाद में ही बहावी आंदोलन अच्छे समय तक चलता रहा, है ना। बाद में ये अंग्रेजों के खिलाफ भी हुआ, वह सब बात हम लोग आप आगे जानेंगे। बहावी आंदोलन का प्रारंभ एक इस्लामिक पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में हुआ। किसके रूप में? बहावी आंदोलन का जो उत्थान हुआ यह किसके लिए हुआ? इस्लामिक पुनरुत्थान के लिए, है ना, कि इस्लामिक जो है पुनरुत्थान किया जाए, जो इस्लाम धर्म है, है ना, जो इस्लाम, जो हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं ये सब जो है मुस्लिम इस्लामिक पुनरुत्थान के लिए भारत में इस आंदोलन का आगाज हुआ, जिसको आप बहावी आंदोलन कह रहे हैं। इस आंदोलन को तरीका ए मुहम्मदी, है ना, क्या कहा गया? देखिए, तरीका ए मुहम्मदी, मुहम्मदी, तरीका ए मुहम्मदी जो है ना, तरीका ए मुहम्मदी अथवा वली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता है, ये कहिए, अथवा इसको जो है ना, वली उल्लाही आंदोलन भी जो है इसको, वली उल्लाही आंदोलन भी जो है कहा जाता है, आंदोलन इसको कहा जाता है ना। तो तरीका ए मुहम्मदी या फिर इसी को जो है वली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता है, यह दोनों ही इसी आंदोलन का नाम है, वहावी आंदोलन का ही एक नाम है। यह एक देश विरोधी और सशस्त्र आंदोलन था जो शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। तो यह कैसा आंदोलन था? तो जो सशस्त्र है ना, देश विरोधी था और सशस्त्र आंदोलन था, सशस्त्र आंदोलन था, और साथ ही क्या था? देश विरोधी आंदोलन भी जो है इसको कहा गया, देश विरोधी आंदोलन भी कहा गया, और साथ ही जो है सशस्त्र आंदोलन भी था। वहावी आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बन चुका था जब यह आरंभ हुआ। धीरे धीरे क्या हो गया? यह आंदोलन व्यापक होता चला गया, बढ़ता चला गया,
है ना, और इसकी शाखाएं देश के कई हिस्सों में स्थापित होती चली गई, अलग अलग जगहों पर जो है, अलग अलग स्थानों पर जो है यह एक अलग अलग संगठन के रूप में जो है कार्य करना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं कि कई हिस्सों में स्थापित जो है हो गया। इस आंदोलन को बिहार और बंगाल के किसान वर्गों, कारीगरों और दुकानदारों का समर्थन प्राप्त हुआ। बिहार और बंगाल में जो किसान थे, है ना, इसको किसानों का भी समर्थन इसको मिला, कारीगरों का भी समर्थन इसको मिला, किसको, वहावी आंदोलन को, है ना, किसानों का, कारीगरों का, और जो है आपका दुकानदारों का भी समर्थन इसको मिला, दुकानदारों का, इन लोगों का समर्थन वहावी आंदोलन को मिलता चला गया। यद्यपि यह एक धार्मिक आंदोलन था, पर कालांतर में इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जाने लगी। पहले यह एक धार्मिक आंदोलन था, जैसा कि हमने बताया, पहले यह जो है एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में जो है यही वहावी आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है इसमें आवाजें उठना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो है अंग्रेज के खिलाफ आवाज जो है इसमें उठना शुरू हो गया, और अंग्रेज के विरुद्ध जो है यह आंदोलन चलना शुरू हो गया। ब्रिटिश शासन की समाप्ति तो इस आंदोलन का उद्देश्य था ही, इसका, इस वहावी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन का अंत तो करना था ही, है ना, साथ ही साथ सामाजिक पुनर्गठन और सामाजिक न्याय की मांग भी वहावी आंदोलन की मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक जो आपका न्याय है, सामाजिक न्याय भी था और सामाजिक पुनर्गठन, सामाजिक न्याय और सामाजिक पुनर्गठन, यह भी जो है इस वहावी आंदोलन का उद्देश्य रहा था। अब हम लोग देखेंगे वहावी आंदोलन का संस्थापक और उसका जो विचारधारा आया कहां से आया, या उसके क्या क्या कार्य हुए, मतलब कि हम साफ रूप से सैयद अहमद बरेलवी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। वहावी आंदोलन का संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, इनका जो काल है, है ना, 1786 से 1833 जो है, इतना ईस्वी तक, 1786 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक जो है यह राय बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तो जो सैयद अहमद बरेलवी था यह कहां का था, तो जो राय बरेली है ना, राय बरेली कहां है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो ये जो है राय बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कौन, तो सैयद अहमद बरेलवी, है ना, इसलिए इसके नाम में बरेलवी लगा हुआ है, राय बरेली से थे, उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म शहर के एक नामी गिरामी परिवार में हुआ था, है ना, जो सैयद अहमद बरेलवी थे ये बहुत अच्छे फैमिली से थे, है ना, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे, नामी गिरामी परिवार में हुआ था, और ये लोग जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद का वंशज जो है खुद को मानते थे, किसका, पैगंबर हजरत, है ना, हजरत मोहम्मद साहब को जो है, मोहम्मद साहब के जो है ये वंशज अपने आप को मानते थे, या ये उनके वंशज माने जाते थे, है ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते थे। यह 1881 ईस्वी में मक्का गया, जो सर सैयद अहमद बरेलवी थे ये कब, 1881, है ना, 1881 में जो है, 1881 ईस्वी में ये मक्का गए, और यहाँ उसको एक इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम था अब्दुल वहाब, क्या नाम था, अब्दुल वहाब, और यहाँ से जो है अब्दुल वहाब, इसी अब्दुल वहाब के नाम पर जो है इस आंदोलन का नाम वहावी आंदोलन पड़ा है, अभी भी जो वहावी आंदोलन हम लोग इसको जान रहे हैं। तो सैयद अहमद बरेलवी कहाँ गए थे, 1881 में मक्का गए, 1881 में मक्का गए, और मक्का में इसकी मुलाकात किससे हुई, तो अब्दुल वहाब नामक एक इंसान से जो है मक्का में इसकी मुलाकात होती है, और यह इंसान जो है इनसे दोस्ती हो जाती है। अब्दुल वहाब के विचारों से अहमद बरेलवी बहुत प्रभावित हुआ और एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में भारत वापस लौटा, किस रूप में, तो एक जो है कट्टर धर्म योद्धा के रूप में, है ना, एक कट्टर धर्म योद्धा के रूप में ये भारत लौटे, कौन लौटे, तो ये बात हो रही है सैयद अहमद बरेलवी के, जो कि इस आंदोलन के संस्थापक थे, है ना, इनकी मुलाकात मक्का में अब्दुल वहाब से हुई 1881 में, और उसके बाद जो है ये 1881 में, हाँ सॉरी 1881 में तो इनका इसमें मक्का गया, और वहाँ इसे अब्दुल वहाब से जो है इनका मुलाकात हुई, एक कट्टर धर्म योद्धा था, और कट्टर धर्म योद्धा के रूप में जो है मक्का से ये वापस आए, कौन, तो अब्दुल अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी जो है यह एक कट्टर धर्म योद्धा बन करके भारत वापस आए। अब्दुल वहाब के नाम से इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा, यही इंसान जो उनको मक्का में मिला उसी का नाम था अब्दुल वहाब, और उसी के नाम पर इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, वहाबी आंदोलन। तो यह भी आपको लगता होगा कि वहाबी का अर्थ क्या है, तो ये कहां से आया, ये बात भी आप समझ गए कि जब सैयद अहमद बरेलवी मक्का गए, वहां उनको एक इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम अब्दुल वहाब था, उनसे उनकी दोस्ती हुई, और उनकी विचारधारा से कौन प्रभावित हो गए, सैयद अहमद बरेलवी, और वह एक कट्टर धर्म योद्धा बनकर के मक्का से पुनः वापस जो है भारत आ गए। सैयद अहमद बरेलवी एक और इंसान से बहुत प्रभावित हुआ जिसका नाम था संत शाह वली उल्लाह, यह भी एक इंसान था जिनसे इसकी मुलाकात हुई, किसकी मुलाकात हुई,
तो जो सैयद अहमद बरेलवी था, इनकी मुलाकात अब्दुल वहाब से हुई और संत शाह वली उल्लाह से भी जो है इसको प्रभावित हुए, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इसका नाम क्या था? संत वली उल्लाह। हमने कहा कि इसको जो है आप है ना वली उल्लाह आंदोलन भी कह सकते हैं। तो अब्दुल वहाब और संत वली उल्लाह से जो है अलग अलग मुलाकात हुई। यह दिल्ली में रहता था और भारत में फिर से इस्लाम का प्रभुत्व हो इसका इच्छुक था। ये लोग क्या चाहते थे कि भारत में फिर से जो है इस्लाम का जो है वर्चस्व हो, है ना, इस्लाम धर्म भारत में बहुत ज़्यादा फूले फले, और यह जो है इनका उद्देश्य था, फिर से इस्लाम का प्रभुत्व हो इसका इच्छुक था। वे भारत से अंग्रेजों को हटाकर फिर से इस्लामिक शासन लाना चाहते थे। इन सब का उद्देश्य क्या था? भारत से अंग्रेज को हटा दो और भारत में जो है इस्लामिक राष्ट्र, जो इस्लाम का प्रभुत्व हो और इस्लाम का बोलबाला भारत में हो, यह जो है इनका उद्देश्य था। अब्दुल वहाब का भी यही उद्देश्य था, संत शाह वली उल्लाह का भी, दोनों का विचारधारा जो है ये किस पर थोपा गया? सैयद अहमद बरेलवी जो है इनके प्रभाव में आए और इनसे जो है प्रभावित हो गए। उनका मानना था कि भारत को दार उल हर्स, देखिए दार उल हर्स, दार उल हर्स का अर्थ होता है, है ना, दार उल हर्ष का हर्ष होता है दुश्मनों का देश। इसको क्या बोलते हैं? दार उल हर्ष मतलब दुश्मनों का देश, है ना। ये जो है दार उल हर्ष जो है ना, उनका मानना था कि भारत को दार उल हर्ष अर्थात दुश्मनों का देश नहीं, बल्कि भारत को दार उल इस्लाम क्या बनाया जाए, दार उल इस्लाम। और दार उल इस्लाम का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है इस्लाम का देश। क्या होता है? इस्लाम का देश। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भारत को इस्लाम का देश बनाएं, दार उल हर्ष जो है दुश्मनों का देश ना हो करके यह दार उल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश बने। तो कौन बने? भारत बने। यह जो है इनका प्रयास रहा, ठीक है ना, जिसके लिए अंग्रेजों से धर्म युद्ध करना अनिवार्य है। इसलिए इसका मानना था कि अंग्रेज जो इंग्लिशमैन है इसको यहां से हटाना बहुत जरूरी है ना, अंग्रेजों से युद्ध करना अनिवार्य है, अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग देना इस्लाम विरोधी कार्य है, ऐसा उनका मानना था। अंग्रेज को कोई मदद उदद नहीं करना है और जो है उसको यहाँ से इस्लाम विरोध, उसको मदद करना इस्लाम विरोधी कार्य होगा। इस बात का अहमद पर काफी प्रभाव पड़ा, इसलिए अहमद को इस जिहाद अर्थात धर्म युद्ध का नेता चुन लिया। अहमद को जो है ना, अहमद को इस जिहाद अर्थात, जिहाद का अर्थ क्या हो गया, जो धर्म युद्ध इसको कहा जाता है इस्लाम में, है ना, जिहाद अर्थात इस धर्म युद्ध का नेता जो है अहमद को चुन लिया। अहमद कौन? सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी को इसका नेता चुन लिया गया। सैयद अहमद की सहायता के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया जिसमें सहायक के रूप में अब्दुल अजीज को, दो रिश्तेदारों को नियुक्त किया गया। अब इसके लिए, इसको मदद करने के लिए, सैयद अहमद बरेलवी को मदद करने के लिए इसमें दो रिश्तेदार, किसका रिश्तेदार, है ना, तो इसमें जो है आपका अब्दुल अजीज के दो रिश्तेदारों को, अब्दुल अजीज के दो रिश्तेदार को जो है इसकी मदद के लिए लगा दिया गया। इसकी संस्थाएं भारत में अनेक जगह पर खोली जाने लगी। अब जो सैयद अहमद बरेलवी का जो था, जो इनका इस्लाम को पूरे भारत में पहुंचाना है, इसके लिए जो है अब इस संगठन चलना शुरू हो गया और भारत के अलग अलग जगहों पर जहां जहां मुस्लिम प्रांत ज़्यादा लोग ज़्यादा बाहुल थे वहां वहां पर जो है यह संस्थाएं जो है काम करना शुरू कर दी, है ना। यह जो है कौन सा, दार उल इस्लाम अर्थात इस्लाम का देश, इसके लिए जो है अब ये लोग अपना काम करना शुरू कर दिया और जगह जगह जो है इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो है खोली जाने लगी। अब जो है सैयद अहमद बरेलवी जो बहावी आंदोलन के संस्थापक हुए, उनको जो है इमाम बना दिया गया, मेन नेता जो है ना दारुल इस्लाम का, उनको बना दिया गया। अब जो है वह जगह जगह इनको इमाम भी कहा जाने लगा, है ना। तो इमाम बनने के बाद सैयद ने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। किसका? तो यही जो दारुल इस्लाम वाला था या वहावी आंदोलन था, इस वहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार सैयद अहमद बरेलवी ने जो है उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर घूम घूम कर जो है यह प्रचार करना शुरू किया। इसके समर्थक बढ़ते चले गए, धीरे धीरे जो है वहावी आंदोलन का जो प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी हुए, धीरे धीरे जो है इनके अनुयायी बढ़ने लगे, इनके समर्थक बढ़ने लगे, है ना। सिरात ए मुस्तकीन नामक एक फारसी ग्रंथ में सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया है। ये जो सैयद अहमद हैं, सैयद अहमद बरेलवी के जो विचार हैं, इसको एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसका नाम है ना सिरात, है ना सिरात ए मुस्तकीन, सिरात ए मुस्तकीन यह एक किताब है और इस किताब में जो है इनके विचारों को, किसके, सैयद अहमद बरेलवी के विचारों को जो है संकलित किया गया है। उसमें इनका क्या क्या विचार था दारुल इस्लाम अर्थात वहावी आंदोलन को लेकर भारत में, वो सब इसमें जो है उनके विचार संकलित हैं। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद जानते हैं जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है ना, एकेश्वरवाद, है ना, एकेश्वरवाद और हिजरत, है ना,
यानी दुश्मनों को भारत से भगाने का प्रण लेकर हिजरत, एकेश्वरवाद और हिजरत, या कह सकते हैं एकेश्वरवाद और हिजरत, यानी दुश्मनों को भारत से भगाने का प्रण लेकर सैयद अहमद ने एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत तीन बातों पर गौर फरमाया गया। इन्होंने जो है दुश्मनों को भारत से भगाओ यह बात जो है उन्होंने रखी, और इसके साथ उन्होंने तीन जो है इनके उद्देश्य रखे, तीन विचार रखे, तीन बातों पर गौर फरमाया। किसने? तो सैयद अहमद बरेलवी ने, जो बहावी आंदोलन के नेता हुए, या कह सकते हैं इस्लाम जो लोगों के कह सकते हैं उसके इमाम हुए, है ना। तो वह जो है सैयद अहमद बरेलवी ने तीन बातों को ध्यान रखा, है ना, अंतर्गत तीन बातों को फरमाया। एक बात था हमारी सेना सशस्त्र हो, एक क्या रखा कि हमारी जो सेना होगी वह क्या होगी, सशस्त्र सेना होगी। दूसरा बात क्या रखा कि भारत के हर कोने में उचित नेता को चुनना होगा, भारत के हर कोने में जो है एक उचित लीडर, जो उचित नेता हो, इसको चुना जाए। और तीसरी शर्त क्या रखी, तीसरी शर्त थी कि जिहाद के लिए भारत में ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हों, ताकि वहावी आंदोलन पूरे देश में जोर शोर से फैले। तीसरा क्या रखा कि जो जिहाद के लिए भारत में ऐसी जगह चुनना जहां मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहां ज़्यादा हैं, वहां पर जो है जिहाद के लिए उस क्षेत्र को चुनना, है ना, अधिक संख्या में रहते हों, ताकि वहावी आंदोलन पूरे देश में जोर शोर से फैल सके। तो यह तीन सिद्धांत जो है दुश्मनों को भारत से निकालने के लिए सिरात ए के लिए जो है सैयद अहमद बरेलवी जो इमाम बने इनका, है ना, उन्होंने इस तीन बात को रखा। हमारे सेना के जो सेना होनी चाहिए, सेना होना चाहिए, वह सशस्त्र सेना होना चाहिए, है ना। और जो दूसरा बात रखा वह था कि भारत के हर कोने में उचित नेता चुनना चाहिए। और तीसरा बात जो था कि जो आपका जिहाद के लिए भारत में ऐसी जगह चुनना है जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हैं, ताकि वहावी आंदोलन जो है पूरे देश में फैल सके, पूरे देश में इसकी जड़ें जो है जा सके, है ना। तो इस तरह की बातें जो है जोर शोर से फैले, इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को चुना गया। अब देखिए ये 1800 का बात हो रहा है, तो 1830 या 1826 में उसमें तो पाकिस्तान का कोई निर्माण नहीं हुआ था। तो अगर भारत का मैप बनाया जाए तो आप जानते हैं, है ना, इस तरह से जो इंडिया का मैप हम लोग बनाते हैं, है ना, इधर जो आपका पश्चिम उत्तर प्रांत है, पश्चिम उत्तर प्रांत का मतलब जो पाकिस्तान वाला प्रांत है, इस तरफ का जो क्षेत्र है, तो उन्होंने पाकिस्तान प्रांत को, है ना, या कह सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को, है ना, क्योंकि वहावी आंदोलन का जो है जड़ पूरे देश में फैले, इसके लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को चुना गया, है ना, जहां कबायली इलाके में सिथाना को केंद्र बनाया गया। देखिए अब क्या कहा, पश्चिमोत्तर प्रांत जो है उसको चुनो, पश्चिम उत्तर प्रांत। तो पश्चिम उत्तर प्रांत अगर आप भारत का देखिएगा तो कौन सा होता है, इंडिया के मैप में ये नॉर्थ हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, और पश्चिम उत्तर मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र, पश्चिम उत्तर क्षेत्र, यह जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यह आपका पश्चिम उत्तर क्षेत्र है। इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रांत को चुना, और इनका कहना ही था कि जहां जहां पर जो है मुस्लिम लोग बाहुल में है वहां पर जो है इसको चुना जाना चाहिए। तो वह जो है ना पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को चुना गया, वहां कवायली इलाके में सिथाना को केंद्र बनाया गया। पाकिस्तान में एक जगह है, अभी पहले तो ये भारत में होगा, सिथाना एक जगह है जो अभी पाकिस्तान में है, सिथाना को जो है पश्चिम उत्तर प्रांत में चुना गया, केंद्र बनाया गया, और भारत के सभी मुस्लिम बाहुल नगरों में स्थानीय कार्यालय खोले गए, अलग अलग जो है स्थानीय कार्यालय सब जगह, जो भारत का मुस्लिम जगह जहां ज्यादा संख्या है, स्थानीय कार्यालय जो है वहां पर खोला गया। किसके द्वारा? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, है ना। और बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कलकत्ता को चुना गया। इसी में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए किसको चुना गया, तो कोलकाता जो आपका है अभी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में चुना गया, और उत्तर पश्चिम में सिथाना जो अभी पाकिस्तान में है, स्थानीय कार्यालय जो है यहां पर बनाया गया, और प्रतिनिधित्व खलीफाओं को सौंपी गई, और जो जो खलीफा वहां से नेता चुना गया उसको जो है प्रतिनिधित्व वहां का सौंप दिया गया। 1826 में यह आंदोलन सक्रिय हुआ, अपने 3000 समर्थकों के साथ वह पेशावर गया और वहां एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। अपने 3000 समर्थकों के साथ कहां गया, पेशावर गया। कौन गया पेशावर? तो यह जो आपका सैयद अहमद बरेलवी है ना, सैयद अहमद बरेलवी साहब जो है, ये 3000 अपने सैनिकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ जो है पेशावर गए, और पेशावर गया और वहां पर एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की। कहां पर? पेशावर में जो है एक स्वतंत्र शासन की अपनी स्थापना भी की। बाद में केंद्र को बदलकर सिथान अर्थात चारसद्दा पाकिस्तान में स्थापित किया गया। बाद में यही सिथान जो है इसको पाकिस्तान में चारसद्दा जो है एक जगह है, चारसद्दा पाकिस्तान में चला गया है, अभी यहीं पर जो है उसको केंद्र खोला गया और वहीं पर जो है उसको रखा गया, है ना। तो चारसद्दा पाकिस्तान में स्थापित किया गया। सीमा प्रांत के शासन चलाने हेतु अस्त्र
शस्त्र धन जन इन चीजों की तो आवश्यकता होगी। सिर्फ जो है सिर्फ खोल देने से तो नहीं होगा, सिर्फ केंद्र बनाने से नहीं होगा, वहां पर अगर अपना सब चीज चलाना है, अपना आदेश सब कुछ चलाना है तो उसके लिए जो है धन जन की जरूरत होती है ना। सीमा प्रांत पहुंचाया जाने लगा, अब क्या हो गया, सीमा प्रांत में शासन चलाने हेतु अस्त्र शस्त्र धन जन सीमा प्रांत पहुंचाया जाने लगा। इसके लिए बंगाल में सिथाना तक खानकाह बनाया गया जो एक गुप्त रूप से सहायता पहुंचाने का जरिया था। कहां से? बंगाल से जो है आपका, है ना, बंगाल से सिथाना तक। एक तो हमने कहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जो केंद्र खोला गया वह कोलकाता में खोला गया, और एक जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था सिथाना, जो कि आपका चारसद्दा पाकिस्तान में है। तो कोलकाता से लेकर के सिथाना तक जो है खानकाह बनाया गया, और गुप्त रूप से जो है वहां पर अस्त्र शस्त्र और चीजें जो है गुप्त रूप से सहायता पहुंचाने का जरिया जो है बनाया गया। पश्चिमोत्तर इलाके में वहावी आंदोलन के समर्थकों का सिख समुदाय से संघर्ष हुआ। अब यह जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है जहां सिथाना है वहां मानते हैं मुस्लिम बाहुल है, लेकिन क्या वहां सिख नहीं है? वहां भी सिख है, वहां हिंदू भी है। तो इस तरह से जो है एक बार संघर्ष हो गया, किसमें, जो सिथाना में सैयद अहमद बरेलवी का जो लोग थे और जो सिख समुदाय के लोग थे, सिख समुदाय में और इन लोगों में जो है आपस में संघर्ष छिड़ गया, है ना, संघर्ष हो गया, है ना। और इसी में जो है पश्चिमोत्तर इलाके में वहावी आंदोलन के समर्थकों का सिख समुदाय संघर्ष हुआ, जिसमें सैयद अहमद बरेलवी यह मारा गया। यह जो है सैयद अहमद बरेलवी वहावी आंदोलन के मेन नेता थे, और जब सिखों से संघर्ष हुआ उसमें देखिए जब संघर्ष हुआ तो दोनों ने दोनों को मारा होगा, है ना। जो आपके सिथाना में रहने वाले जो मुस्लिम भाई थे इन्होंने भी उनका हत्या किया, उन्होंने भी इनकी हत्या किया होगी, और संघर्ष में जो है आपका कौन मारा गया, सैयद अहमद बरेलवी जो इस वहावी आंदोलन के मेन स्तंभ थे उनकी जो है हत्या हो गई और उनका वहां पर निधन हो गया, हत्या में जो है वह मारा गया, है ना। अब जिस समय पश्चिमोत्तर में सैयद अहमद सिखों से संघर्ष कर रहा था उस समय बंगाल में वहावी आंदोलन का बहाव जो है किसान वर्गों में जोर शोर से हो रहा था। अब जिस समय यह आंदोलन चल रहा था, अब हम वहावी आंदोलन को बंगाल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, है ना। उसमें बंगाल में क्या हालात थे, तो बंगाल में जो किसान था और जो नीचे का लोग था उन लोगों ने भी जो है इस वहावी आंदोलन को समर्थन देना शुरू हो गया, जबकि इस आंदोलन के जो मेन नेता सैयद अहमद जो मेन इमाम थे उनकी हत्या हो गई, वह जो है उनका काम खत्म हो गया, है ना। तो किसान वर्गों में जोर शोर से हो रहा था। बंगाल में वहावी आंदोलन के नेता तीतू मीर, अब यहाँ जो बंगाल में नया नेता हुआ है ना वो कौन है, तीतू मीर, यह एक नया नेता जो है वहावी आंदोलन का सामने आया जिसका नाम है तीतू मीर। अब तीतू मीर जो है ये कैसे बना इसकी कहानी जान लीजिए। बंगाल में जमींदार थे और जमींदार लोग जो है जो वहां रहने वाले लोग थे उनसे टैक्स लेते थे, तो टैक्स काफी बढ़ा दिया था, तो टैक्स बढ़ाने के कारण लोग टैक्स देने में जो है सक्षम नहीं हो पाते थे। तो तीतू मीर ने क्या किया, उस पर हमला कर दिया, जो जमींदार कर बढ़ा रहा था उसके ऊपर हमला किया, और यह तीतू मीर जो है यह वहां के जो है आप कह सकते हैं वहां के लोगों का नेता बन गया। जिन लोगों पर टैक्स लगा था उनके बदले में आवाज उठाई तीतू मीर ने और उस पर हमला कर दिया उस जमींदारों पर, इसलिए तीतू मीर क्या हो गया वहां का नेता हो गया, ये एक फरिश्ता के रूप में देखा जाने लगा, है ना। तो बंगाल में वहावी आंदोलन के नेता तीतू मीर थे, जमींदार द्वारा कर बढ़ाने पर वहावी समर्थक अधिकांश किसान वर्ग इसका विरोध करते थे। अब टैक्स बढ़ाएगा तो किसान तो विरोध करेगा ही, तो उसी में जो है तीतू मीर आ गया, है ना। जब नदिया जो बंगाल में है जमींदार कृष्ण राय ने लगान की राशि बढ़ाई तो तीतू मीर ने उस पर हमला कर दिया। कृष्ण राय जो है यहाँ का एक, है ना, कृष्ण राय जो है कृष्णदेव राय नहीं वो दूसरा है, ये कृष्ण राय जो है ये बंगाल में जो है नदिया एक जगह है जो बंगाल में है नदिया, यहाँ पर जो है इन्होंने इस कृष्ण राय ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर बढ़ा दिया था, और इसी टैक्स के बढ़ाने के कारण जो वहाँ के किसान लोग थे उनका एक अलग जो है वहावी आंदोलन को समर्थन था ही, उसी से एक आदमी निकला तीतू मीर, और उन्होंने जो इस जमींदार कृष्ण राय था इस पर जो है हमला कर दिया, मतलब कि नीचे के लोगों को सारे किसानों को मिलाया, उसका नेता तीतू मीर हुआ और उन्होंने कृष्ण राय पर हमला कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसने टैक्स जो है बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिया था। ऐसे कई कांड कई जगह हुए जहां जमींदारों का विरोध किया, जमींदारों को विरोध का सामना करना पड़ा, ऐसे में तीतू मीर किसान वर्ग का मसीहा बन गया। अब ये तीतू मीर क्या हो गया, किसान वर्ग का जो है आपका मसीहा बन गया। एक बार तो तीतू मीर ने कई वहावी समर्थकों के साथ अंग्रेजी सेना द्वारा बनाए गए किले को ही नष्ट कर दिया। अब देखिए पावर जब आने लगता है तो आदमी जो है कुछ से कुछ करना शुरू कर देता है। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का बनाया हुआ जो किला था उस पर हमला कर दिया, है ना। तीतू मीर ने अंग्रेजों के बनाए किले पर हमला कर दिया, है ना। इसके बाद जो है हमला करके नष्ट कर डाला, तीतू मीर इसी संघर्ष में मारा गया। अब इस किला पे हमला किया और इसी में क्या हो गया, जो तीतू मीर था इसकी हत्या हो गई। उसी जो अंग्रेजों के किला को तोड़ने के फिराक में जो है तीतू मीर तो नेता बन ही गया था, मसीहा हो गया था नीचे लोगों का, और इसी में क्या हो गया, तीतू मीर की हत्या हो जाती है, तीतू मीर जो है वहां पर
मर जाता है, संघर्ष में मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद बंगाल में बहावी आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब बंगाल में जो बहावी आंदोलन था उसका नेता तितुमीर था, अब वहां पर भी बंगाल में भी जो है बहावी आंदोलन कमजोर पड़ गया। पहले तो सैयद अहमद बरेलवी वो खत्म हो गया, फिर बंगाल में तितुमीर आया, तितुमीर का भी काम खत्म हो गया, और इस तरह से जो है आपका जो बहावी आंदोलन था यह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा, है ना। ऐसा नहीं था कि सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहावी आंदोलन थम गया था या यह आंदोलन चलता यह आंदोलन बंद हो गया था, ऐसी बात नहीं थी। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद भी, हत्या होने के बावजूद भी जो है वहावी आंदोलन चल ही रहा था। इस आंदोलन को सैयद अहमद के बाद जिंदा रखने का श्रेय जो है विलायत अली और इनायत अली को जाता है, है ना। जब सैयद अहमद की हत्या हो गई इसके बाद जो है विलायत अली, है ना, विलायत अली और इनायत अली, इन दोनों बंधु को, विलायत अली और इनायत अली, है ना, इनायत अली को जाता है। इन्होंने फिर भी जो है ना, सैयद अहमद की मृत्यु के बाद भी जो है विलायत अली और इनायत अली ने जो है वहावी आंदोलन को जिंदा रखा था, है ना। फिर से नए केंद्र स्थापित किए गए, इस बार पटना को मुख्यालय बनाया गया, इनायत अली को बंगाल का गवर्नर का कार्यभार दिया गया। इनायत अली को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर बनाया, और फिर से जो है इसका इसी का स्थापना हुआ, और कहाँ पर, पटना को ऑफिस जो है पटना को मुख्यालय बनाया गया। पुनः उसी तरह जिस तरह की सिथाना और कोलकाता को बनाया गया था, उसी तरह इस बार इनायत अली और विलायत अली ने क्या किया, पटना को मुख्यालय बनाया और पुनः जो है इसको जोर शोर से चलाना शुरू कर दिया। पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रांत में वहावी आंदोलन के समर्थकों और अंग्रेजों के बीच कई बार मुठभेड़ हुए। जो पंजाब प्रांत है इस तरफ जो है पंजाब वाला क्षेत्र में जो है कई बार अंग्रेजों में और वहावी आंदोलन के समर्थकों में कई बार मुठभेड़ हुआ, कई बार जो है दोनों के बीच में झगड़ा संघर्ष जो है चलता रहा। अंग्रेजों ने वहावी के केंद्र सिथाना और मुल्का को नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, जो सिथाना और मुल्का जो वहाँ पर दो अलग अलग संगठन बनाया था, कार्यालय था, उस दोनों को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जो वहावी आंदोलन के समर्थकों का जो दो अलग अलग डेरा था सिथाना में, और जो आपका एक दूसरा एक और था जो कि आपका एक सिथाना और एक मुल्का, दोनों को ही नष्ट कर दिया। उनके समर्थक गिरफ्तार हो गए और लोगों पर मुकदमा भी चला और उन्हें काला पानी की सजा और जेल की सजा भी दी गई। अब जो लोग इसमें सिथाना में जो भी लोग थे वहावी आंदोलन के समर्थक, उसको पकड़ा गया, उसको मारा भी गया और उसको जो है काले पानी की सजा भी दी गई और जेल की सजा भी दी गई। यहाँ पर पुनः जो है फिर से इसको जो है अंग्रेजों ने पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। किसको, तो जो आपका वहावी आंदोलन था इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। कालांतर में पटना का भी केंद्र को नष्ट कर दिया गया। पटना में जो नया केंद्र बनाया था वहावी आंदोलन के लिए उसको भी खत्म कर दिया गया। सरकार के इस दमनात्मक रवैये के चलते वहावी आंदोलन शिथिल पड़ गया और प्रथम युद्ध के अंत तक इसने दम तोड़ दिया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस तक जो है, प्रथम युद्ध के अंत तक जो है वहावी आंदोलन ने दम तोड़ दिया, मतलब वहावी आंदोलन का कहानी जो है खत्म हो गया। क्योंकि हर जगह से जहां जहां इसका ठिकाना था सब ठिकाना को ही अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। कोई भी ठिकाना ऐसा रहने नहीं दिया जहां पर कि ये पनप सके। जहां जहां बनाया सिथाना में, मुल्का में, पटना में, सब कार्यालय जो है इसका ध्वस्त कर दिया गया और वहां से जो है वहावी आंदोलन आपका खत्म हो गया, कमजोर पड़ता चला गया, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि वहावी आंदोलन का प्रभाव कैसा रहा, इफेक्ट कैसा रहा, है ना। तो वहावी आंदोलन की शुरुआत भले ही मुसलमान समुदाय के पुनरुत्थान के रूप में हुई हो, पर बाद में इस आंदोलन ने दिशा बदल ली। पहले तो इस्लामिक कंट्री की बात की गई, दारुल इस्लाम का बात किया गया और बहुत तरह की बातें की गई, लेकिन बाद में धीरे धीरे जन जन तक भी ये आंदोलन जब पहुंचते चला गया तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, और एक तरफ अंग्रेज हो गए और एक तरफ किसान वर्ग हो गए। यह किसान वर्गों का आंदोलन हो गया। तो इस आंदोलन को आप देखिएगा, शुरू शुरू में तो इस्लामिक किस्में जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आंदोलन क्या होता है, आम नागरिकों तक भी जो इसमें सम्मिलित होना शुरू कर देते हैं और यह जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक विद्रोह हो जाता है जिसका नाम है वहावी आंदोलन। आरंभिक चरण में जब यह आंदोलन बना तो इसका उद्देश्य था कि देश में मुस्लिम शासन फिर से आए, इस सोच को लेकर यह आंदोलन चला था। लेकिन कालांतर में यह आंदोलन एक मुख्यतः मूल रूप से किसान वर्गों का आंदोलन बन गया। पहले था कि पूरे भारत में जो है इस्लामिक कंट्री बनाया जाए और इस्लाम को जो है आप जो मुस्लिम भाई बंधुओं का जो ये है उसको बढ़ाया जाए, ऐसा उनका सोच रहा। लेकिन बाद में जो है ये आंदोलन बदलाया और अंग्रेजों के खिलाफ होकर के ये किसान वर्गों का आंदोलन बन गया, है ना, तो जो वहावी आंदोलन हो गया। जब यह किसान आंदोलन बना तो कई हिंदू भी इस आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन से जुड़ गए। यह सच है कि वहावियों ने किसानों और निम्न वर्ग पर हो रहे अंग्रेजी अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह सही बात है कि जो वहावी आंदोलन में लोग थे इन्होंने बाद में जो है किसानों के खिलाफ, किसानों के समर्थन में और जो निम्न वर्ग के दबे कुचले लोग थे उनके समर्थन में आवाज़ उठाई। और किसके खिलाफ वो आवाज़ हो गया, तो वह अंग्रेजों के खिलाफत में आवाज़ हो गई और वह आपका आंदोलन हो गया वहावी आंदोलन। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि आरंभिक चरण में यह आंदोलन जो है
भारत में मुसलमानों का शासन हो, यह सोच करके इस उद्देश्य से बनाई गई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो यह आंदोलन बदला गया और यह आंदोलन किस में चला गया, निम्न वर्गों की आवाज़ बन गई, किसान वर्गों का आवाज़ बन गया, अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक आवाज़ बन गया और यह हो गया आपका बहावी आंदोलन। सरकार विरोधी अभियान चलाकर बहावियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए एक वातावरण तैयार किया था, कर दिया था। ये भी कह रहा है सरकार विरुद्ध जो अभियान चलाया था तो 1857 है ना, 1857 की क्रांति के लिए भी जो है एक माहौल तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो वहावी आंदोलन के द्वारा, है ना, वातावरण तैयार किया गया था। इस आंदोलन से मिली विफलता के बाद मुसलमान लोगों में एक नई विचारधारा का संचार हुआ। जब ये आंदोलन वहावी आंदोलन विफल हुआ तो इसके बाद जो मुस्लिम भाई बंधु थे उन्होंने उन लोगों में जो है एक विचारधारा का संचार हुआ। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर मुसलमानों ने अब आधुनिकीकरण पर बल दिया। वो जो धार्मिक कट्टरता थी कि सिर्फ मेरा ही जो है पूरे 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 भारत पर जो है पूरे जगह पर हमारा ही राज हो, इस तरह की जो धार्मिक कट्टरता की जो भावना थी वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुचला गया। इस आंदोलन के द्वारा बहुत ज़्यादा कुचल दिया गया। फिर बाद में जो मुसलमान भाई थे उसमें उस तरह की कट्टरताएँ जो है उसकी कमी हुई, उसका ह्रास हुआ, उस तरह की भावनाएँ जो है उनकी तिरोहित हुई। आधुनिक शिक्षा और मुसलमानों का भला चाहने वाला सर सैयद अहमद खां, है ना, सर सैयद अहमद खां का चेहरा सबके सामने आया और उसी में जो है सैयद अहमद बरेलवी, जो सैयद अहमद खां हैं, इनको बाद में जो है इनके चेहरे को सबने जाना। तो किस आंदोलन के नाम से? तो वहावी आंदोलन के नाम से जो है सबने इस आंदोलन को जाना। और मुस्लिम भाई बंधु के धर्म में भी जो है बहुत सारा बदलाव हुआ। इस तरह की कट्टरता ना हो, इस तरह की बातें जो है नहीं ना की जाए, इस तरह की, या कह सकते हैं उनके उनकी भाषा में, सॉरी उनकी सोच में या उनके कट्टरता में कुछ ना कुछ बदलाव तो इस आंदोलन के दबने के बाद जो है हुई। और वहीं पर यह आंदोलन जो है कुचला गया। 1857 का वातावरण इन्होंने तैयार किया, किसने? वहावी आंदोलन ने, है ना। बाद में ये चूंकि किसानों का और निम्न वर्गों का आंदोलन बन गया इसलिए इसको अच्छा समर्थन भी मिला। इसमें हिंदू लोगों ने भाग लिया, सब लोगों के जो निम्न वर्ग थे, जो किसान वर्ग थे, सब ने इसमें बाद में समर्थन दिया। तो मित्र आज हमने देखा वहावी आंदोलन। वीडियो बहुत बड़ी हो गई, क्षमा चाहते हैं। चलिए, हमको लगता है कि कोई भी बात ऐसी हो जो अगर हम जानते हैं तो वो सबको बता दें, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। अगर मैं चाहता शॉर्ट में खींचना तो खींच देता, लेकिन जब आप पूरी वीडियो को सुनेंगे और किसी वीडियो को मात्र 10 मिनट को सुनिएगा तो अंतर होगा। एक टॉपिक को 10 मिनट पढ़ाया जाए और एक टॉपिक को 30 मिनट तक पढ़ाया जाए तो अंतर है। 30 मिनट तक में आपको बहुत चीज़, बहुत कहानी, बहुत बातें आपको समझ में आएगी, है ना, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको समझ में आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर, कुछ छूटा नहीं, छूटे नहीं, सब का सब आपके सामने रख दें। ठीक है, यहीं वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।